हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले डेढ़ किलो का केक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। देखो आप लोग केक देखो, सिंपल सा है लेकिन देखने में बहुत अच्छा है। टू लेयरिंग दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है हल्का सा। देखो केक देखने में बहुत अच्छा है, ऐसा लेयरिंग लगाना, हल्का हल्का पानी मारना, फिर क्रीम दिया, फिर हल्का सा क्रीम, इतना ज़्यादा नहीं देना, हल्का हल्का क्रीम, थोड़ा थोड़ा कम क्रीम देना, ज़्यादा क्रीम देने से क्रीम क्रीम हो जाता है केक। कम बहुत कम क्रीम में बना रहे हैं। डेढ़ किलो का केक है, थोड़ा हाइट है, हाइट ज़्यादा बनाना है, इसके लिए हम हाइट कर रहे हैं। देखो हाइट में बना रहे हैं केक, बहुत मस्त केक है। बढ़िया केक है। देखो आप लोग भी ऐसे लेयरिंग लगाते रहना, बढ़िया से ऐसे लगाते जाना लेयरिंग। हाइट बोर्ड है केक का, ज़्यादा हाइट है। अभी हम क्रीम फिनिशिंग कर रहे हैं, देखो क्रीम फिनिशिंग कर रहे हैं बढ़िया से। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत जल्दी केक देना था, 9 बजे ही देना था, तो हम पर जल्दी जल्दी बना रहे हैं। आज बहुत सारे ऑर्डर आया है, फिर दुकान का बनाना है बहुत सारे केक। देखो वेनिला क्रीम में बढ़िया से व्हाइट कलर में और रेड कलर में, आधा रेड कलर आधा व्हाइट कलर। फिर हम पट्टी से पूरा फिनिशिंग कर रहे हैं साइड को पट्टी से बढ़िया से फिनिशिंग कर रहे हैं। देखो ऐसे आराम से घुमाना, केक राउंड बनाने के लिए केक को सेंटर में रखना पड़ता है बढ़िया से। सेंटर में रखेगा तब तो राउंड होगा, फिनिशिंग अच्छा होगा। फिर ऊपर का बढ़िया से ऐसे ऐसे, फिर ऊपर में लाइनिंग देना है, ऊपर में साकू को लगाना हल्का सा, फिर घुमाना, फिर लगाना हल्का सा लगाना, फिर लाइनिंग बैठेगा आपका बढ़िया से। देखो लाइनिंग बढ़िया हो गया, अभी रेड कलर लगा रहा है, क्रीम बना कर लगाया था, आधा रेड कलर आधा व्हाइट कलर में बनाना है। देखो आप लोग भी ऐसे आधा आधा रेड कलर और व्हाइट कलर बनाने के लिए अलग से क्रीम बनाना पड़ता है, रेड कलर का ऐसे लगाना, हमें ऐसे लगाता है। आप लोग भी जैसे लगा के सुविधा होता है ऐसे लगा सकते हैं, हम तो ऐसे लगाते हैं, लगा के सब कुछ घुमाता है। देखो रेडी हो गया, और केक को उतारने के लिए जो नया नया सीखा हुआ है वो लोग ऐसे मत लेना, पहले बेस में रख लेना, इसके बाद घुमाना, बनाने का कोशिश करना, क्योंकि हम अभी हम लगाएगा गोल्डन फ्लैग साइड से। देखो गोल्डन फ्लैग लगेगा, गोल्डन फ्लैग लगाने के लिए आप लोग यूज़ कर सकता है, एक टूथ पिन, लंबा टूथ पिन एक तो ले लेना, और थोड़ा सा ग्लास में पानी लेना, टूथ पिन को थोड़ा पहले पानी में डुबा लेना, इसके बाद गोल्डन फ्लेक्स में लगाना, फिर केक में लगाना, ऐसे लगा सकते हैं आप लोग। हाथ से लगाने से हाथ में सब चिपक जाते हैं और केक में लग जाते हैं, केक तब तो केक पूरा फिनिशिंग आता है। थोड़ा हल्का हल्का पानी में डुबाना टूथ पिन को,
फिर गोल्डन फ्लेक को आराम से लगाना है। हम ऐसे लगाते हैं, आप लोग कैसे लगाता है? हम जो सुविधा है वैसे करते हैं। एक गिलास में पानी लेते हैं, फिर पानी में टूथपिन को डुबाता है, इसके बाद फ्लेक्स में लगाता है, फिर केक में लगा देता है। ऐसे लगाते जाना बढ़िया से, शायद से लगाता था हम। अभी बटर पेपर हम फ्लावर बनाएगा, फ्लावर बनेगा। ये नोजल लिया है R18 नोजल है, बटर पेपर में लिया। अभी फ्लावर बनाएगा, देखो आराम से, आप लोग भी देखो, देख सकते हैं। ऐसे घुमाना, पर ऐसे घुमाना, एक साइड से घुमाना, एक साइड से घुमाना, एक साइड से ऐसे घुमाते घुमाते अपना जो फ्लावर स्टेन है उसको हल्का हल्का घुमाते रहना, बस हो गया। देखो कितना अच्छा देख रहे फूल। इसको किसी से करके लगा देना, बढ़िया से रेड कलर का फूल बना दिया हम। स्प्रे किया हुआ देखा ही नहीं हम लोग को, कलर स्प्रे लगाया। फिर देखो फिर दूसरा का भी ऐसे लगाया, सच से बढ़िया से लगाया। फिर हल्का सा लगाया क्रीम, इसके ऊपर में लगा दिया। दो फ्लावर है, बहुत सारे ऑर्डर आए, आज बहुत सारे केक बनाना। फिर हो गया, फिर हमारा रेडीमेड फूल फूल का जो ग्रास है वो सब लगा दिया हम छोटा छोटा। इसके बाद लीफ से जो फूल का पट्टा है वो सब लगा दिया। एनिवर्सरी का केक है, देखो मिक्सिंग हो गया। तीन कलर है, बेस गोल्डन बना दिया, रेड कलर हो गया, केक व्हाइट कलर हो गया, ऊपर में टॉप में हो